सिखी ए कर्मा वाली तेरे बड़े अनोखे रंग, तेरे भागा विच कुर्बानियां, तेरे लेखा दे विच जंग। ये सच्चाई है दोस्तों, ये 100% सच है। जो बोलते हैं ना, ना तीरा ना तलवारा तो सिख कौम डरे गद्दारा तो। गद्दार इतने भरे हुए हैं सिख कौम के अंदर कि आप एक को ढूंढने जाते हो, हजार तो आपको वैसे ही मिल जाते हैं। और फिर भी सोच के देखो, आए दिन चढ़ती कला में है सिख कौम। ये उस अकाल पुरख की मेहरबानी है। पंजाब के युवाओं के ऊपर एनएसए लगा, ऐसे सेंटर कार्रवाई नहीं कर सकता कि डायरेक्ट सेंटर ने कार्रवाई कर दी होगी। कार्रवाई करनी होती तो बहुत पहले कर देता, लेकिन पहले ढूंढे जाते हैं कि यहाँ पे गद्दार कौन कौन मिलेंगे जो मदद कर सकते हैं। मदद करने वाले भी तो चाहिए ना। मदद करने वालों के धीरे धीरे चेहरे साफ हो रहे हैं, धीरे धीरे। आज आपको बताएंगे, पूरा बताएंगे, जो एनएसए लग रहा है, कार्रवाइयाँ हो रही है, धीरे धीरे तस्वीर साफ होती जा रही है। लेकिन अब बहुत संभल के चलना पड़ेगा सिख कौम को। आप जानते हो अकाल तख्त का जथेदार साहब सिरमौर अदालत है अकाल तख्त साहिब। अकाल तख्त साहिब के जथेदार होते थे अकाली बाबा फूला सिंह, जिनको की गलती का पता लगा कि महाराजा रणजीत सिंह ने गलती कर दी तो उनको भी कोड़े लगाने की सजा दे दी थी। वो थी अकाल तख्त की ताकत। लेकिन वो क्या था, वो सिलेक्शन से होते थे, इलेक्शन से नहीं होते थे। वो सिलेक्शन होता था कि अकाल तख्त साहब के जथेदार कौन बनेंगे, कौन श्रोमणी अकाली कमेटी, कौन कमेटी के अंदर रहेगा, कौन एसजीपीसी की कमेटी के अंदर रहेगा। वो सिलेक्शन होता था, इलेक्शन नहीं होता था। इलेक्शन नहीं होता था, वो सिलेक्शन होता था। और सिलेक्शन होता था पंथ का, पूरे पंथ का, सभी का। जो भी अमृतधारी होते थे ना, सिख होते थे, वो पंथ वो चुनते थे। अगर आप बात करते हो अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब की, तो अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब सिर्फ एक ही है, और वो है भाई जगतार सिंह आवारा। बाकी सब कार्यकारी जथेदार बनते हैं, ये नहीं कि वो जथेदार बन गए। सबको पता है युवाओं पर नशे लगे और डिब्रूगढ़ जेल में गए हुए हैं। अमृतपाल सिंह के पिताजी ने भी बोलते बयान दिया है। अब उसका पूरा तो कन्फर्म करेंगे, कन्फर्म करना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन सबका जत्थेदार ज्ञानी भाई हरप्रीत सिंह जी, उन्होंने भी धीरे धीरे खुलासे करने शुरू कर दिए हैं, जिनको अकाल तख्त साहब के कार्यकारिणी जत्थेदार के पद से हटाया गया है। धीरे धीरे तस्वीर सामने आती जा रही है। आपको पूरी बताते हैं कि हुआ क्या और कैसे ये घटना घटी। ध्यान से सुनना वीडियो को। जो साथी नया जुड़ता है ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल के ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आपकी है, हक और सच की बात करने की जिम्मेवारी हमारी है। पहले बात करते हैं सबका जत्थेदार भाई ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी की। भाई ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी बहुत सी बातें ऐसे कहने लग गए थे जो कि चुभने लगी थी। कहाँ चुभने लगी थी, वो बादल परिवार को भी चुभने लगी थी जो कि वो बोलने लगे थे जब वो बोल रहे थे। अगर आप कहते हो कि उनको इसीलिए हटाया गया है, वो हम भी कह रहे थे कि नहीं जाना चाहिए था जत्थेदार साहब को, वहाँ पे जो चड्डे पड्डे की मंगनी हुई थी, वो चड्डा चड्डा की मंगनी में। लेकिन वो इतना बड़ा वो नहीं था, इतना बड़ा आरोप भी नहीं था कि उनको पद से हटाया जाए। पद से हटाने के आरोप तो अब धीरे धीरे सामने आने लगे कि ये जो बादल परिवार चिट्ठी लिख के उनको दे रहा था कि ये करो वो करो, ये करो वो करो, वो करने से मना करके कि नहीं, उन्होंने उल्टा उन्हीं को शिक्षा दे दी। आप बयान देख सकते हो, ज्ञानी भाई हरप्रीत सिंह जी का बयान देख सकते हो कि श्रोमणी कमेटी से एक अपील है, आपने बहुत गहन करवा दिया पंजाब के युवाओं का, अब थोड़ा सा मर जाओ, थोड़ा सा मर जाओ, पंजाब के युवाओं को बहुत ज्यादा बर्बाद करवा दिया, बहुत मरवा दिया है, अभी संभल कर चलने की जरूरत है, अभी पंथ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। बड़ा अच्छा बयान था ये, उनको शिक्षा देने लग गए थे। लेकिन वो तो ठहरे, क्योंकि बोलते ना बादल साहब का एक बयान था कि वो अकाल तख्त साहब के ऊपर नहीं जाएंगे, अकाल तख्त साहब के जत्थेदार मेरे पास आएंगे। उनका एक बयान कभी आपने सुना हो तो उनका एक बयान है, वो सुनना कभी वो बयान, मतलब वो अकाल तख्त साहब से बड़ा मानते थे अपने आप को। इन्होंने जितना बर्बाद पंजाब को बादल परिवार ने किया है, इतना बहुत ही कम किया होगा, और सरकारों ने तो बहुत कम किया है। अब एक अकाल तख्त साहब के जत्थेदार जो नए बने हैं ज्ञानी भाई रघुवीर सिंह जी, उन्होंने एक फैसला डिसीजन लिया है कि अकाल तख्त के साहब के सामने पेश होना पड़ेगा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को, जो उन्होंने बयान दिया था। एसजीपीसी के प्रधान ने उनको भी वहाँ पर बुलाया है। बताओ वहाँ पे क्या सजा देंगे, इनकी तो सजा भी पहले मुकर्रर हो जाती है। उनको बोल देंगे झाड़ू लगाने की, ये करने की सजा दे देंगे, छोटी मोटी सजाएं दे देंगे, फिर बोल देंगे हाँ आज के बाद पंथ के लिए काम करेंगे। नए जत्थेदार साहब का आपने अभी तक एक भी बयान सुना है कि जिन पंजाब के युवाओं के ऊपर एनएसए लगी हुई है, भाई उनके लिए हम क्या करेंगे। ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी आए दिन बयान देते थे, आए दिन बड़े बड़े वकीलों से सलाह मशवरा करते थे कि जो पंजाब के युवाओं के ऊपर एनएसए लगी हुई है उसको कैसे हटवाया जाए। लेकिन नए बड़े अपने अकाल तख्त साहब के जत्थेदार भाई ज्ञानी रघुवीर सिंह जी, इनका एक भी बयान नहीं आया है। बयान भी आया तो वो गुरबाणी के ऊपर खिंचातानी शुरू होगी, जबकि वो ऐसा कोई मसला नहीं है, क्योंकि एसजीपीसी ने पिछले इन्हीं दिनों में, पिछले साल
बयान दिया था कि हम अपना खुद का चैनल बनाएंगे। क्या वो चैनल बन गया? एक साल में चैनल नहीं बन सकता। एसजीपीसी के पास पैसा नहीं है। एसजीपीसी के पास आप सपने में भी नहीं सोच सकते इतना पैसा एसजीपीसी के पास। लेकिन बनया क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि बादल परिवार नहीं चाहता था। इन्होंने पूरी पैठ कर रखी है पंथ के अंदर। पंथ के मसले कभी हल नहीं किए, बस लारा लगा के रखते हैं। हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, करते कुछ नहीं। और ये मतलब अकाल तख्त साहब के जत्थेदार को अपनी मर्जी से बदली कर देते हैं। सुनने में तो ये आया है कि जो नए जत्थेदार साहब हैं ज्ञानी भाई रघुवीर सिंह जी, ये तो जत्थेदार लगना ही नहीं चाहते थे, इनको जबरदस्ती लगाया गया है। और इनका नाम भी बार बार आ रहा है अमृतपाल के केस में कि नशे लगवाने में इनका हाथ है, उसमें इन्होंने सहयोग किया है। अगर ये सच है तो फिर सिख कौम के लिए बहुत ही आगे आने वाला बड़े बड़े खतरे आने वाले हैं कि इनको लारा लगाया जाएगा और इनको मुद्दों से भटकाया जाएगा। और वही काम हो रहा है, यही तो हम बोल रहे थे, मुद्दों से भटकाया जा रहा है। मुद्दे क्या? मुद्दे है जो युवा नशे में मर रहे हैं उनको कैसे हटाया जाए, युवाओं के लिए कैसे साधन जुटाए जाए कि ताकि युवा कौम से जुड़े, युवा पंथ से जुड़े, युवा अपने धर्म से जुड़े। कोई भी, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, अगर वो अपने धर्म पर पक्का रहता है तो मैं ये कह रहा हूँ उस धर्म को हिलाने वाला ही कोई नहीं है। ये जड़े कहाँ से हिल रही है? कौम के अंदर, पंथ के अंदर गद्दार बैठ जाते हैं उनके कारण जड़े हिल रही है। तो ये तो बहुत खतरनाक है। अगर ये बयान आया ना तो ये खतर पंजाब का भविष्य बिल्कुल, ये समझ जाना, बर्बाद है। अगर ये बयान आ रहे हैं, अगर अकाल तख्त साहब के नए बने जत्थेदार साहब का नाम उसमें आ रहा है तो फिर खतरनाक है, खतरनाक है फिर ये। और बादल परिवार को सभी जानते हैं। नहीं तो अगर अकाल तख्त साहब के नए जत्थेदार भाई ज्ञानी रघुवीर सिंह एक बार बुलाओ, सुखबीर बादल को एक बार अकाल तख्त साहब के सामने पेश होने का आदेश दो, पता लग जाएगा कि ये चलता कहाँ से है। हालांकि जो नॉन अमृतधारी होता है, जिसने अमृत नहीं छक्या होता, उनको कभी भी नहीं बोलना चाहिए अकाल तख्त साहब के लिए। एक सिरमौर अदालत है सिखों की, है सिरमौर अदालत। लेकिन क्या कह रहे हैं, इलेक्शन होगा। अरे सलेक्शन होता था पंथ के लिए, सलेक्शन अकाली बाबा फूला सिंह जैसों का सलेक्शन होता था, इलेक्शन नहीं होता था उस समय पे। लेकिन अब इलेक्शन होने लगे, सलेक्शन पंथ करता है, पूरा पंथ मिलके करता है। लेकिन पंथ से कभी सलाह मशवरा किया है? कभी आज तक किया हो तो बता दो। और हाँ, एक गारंटी दे रहे हैं इस चीज की, पूरे पंजाब के अंदर घूम जाना आप, जितने भी अमृतधारी सिख हैं, अमृतधारी सिख, उनसे पूछ के देखना क्या आप खुश हो भाई ज्ञानी रघुवीर सिंह को जो लगाया गया है, और साहब का जत्थेदार थे जो भाई ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी, उनको हटाया गया, क्या आप इससे खुश हो? पंथ खुश नहीं है, पंथ खुश नहीं है, पंथ खुश नहीं है। तो आप कैसे जत्थेदार, जत्थेदार है भाई जगतार सिंह हवारा जिनको पंथ ने चुना, उनको हम बोल सकते हैं कि अकाल तख्त साहब के सही जत्थेदार, सही मायने में हकदार जत्थेदार भाई जगतार सिंह हवारा हैं। ये जो हो रहा है, जो चल रहा है ना, सभी को इसमें अपना योगदान देना चाहिए। तकरीबन 60 देशों के अंदर सिख बसते हैं, 60 देशों के अंदर, जिनके अंदर अमृतधारी सिख भी हैं। उनसे कभी पूछा जाता है कि हम इस जत्थेदार को बदली कर रहे हैं, इनको लगा रहे हैं, इनको हटा रहे हैं? हटाना शब्द वैसे लगाना चाहिए, फिर बता रहे हैं, याद दिला रहे, हटाना शब्द कभी नहीं लगता अकाल तख्त साहब के जत्थेदार के लिए। लेकिन क्यों हो रहा है ये सब, जो देशों विदेशों में भी अमृतधारी सिख बैठे हुए हैं? अभी तक तो बोल रहे थे कि पंजाब के अंदर ही सिख सुरक्षित नहीं है, अब तो विदेशों में भी नहीं है, विदेशों में भी नहीं है। थोड़ा ना अपने आप को पहचानो, आप क्या हो, थोड़ा पहचानो, आप वो हो जो नक्शा बदल सकते हो। क्यों की गई थी सिख पंथ की स्थापना? पहले ही बहुत से धर्म थे, बहुत से पंथ थे यहाँ पे, क्यों सिखों की स्थापना की गई थी, क्यों की गई थी 1469 में गुरु नानक देव जी महाराज ने क्यों की थी? कभी सोचना इसके बारे में। वखरी कौम है, सब कुछ वखरा है, आपका इतिहास भी वखरा, आपका इतिहास इतना बड़ा जिसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन वो इतिहास सिमटता जा रहा है, उसकी तरफ थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा ध्यान देना चाहिए सभी को। बहुत गलत होता जा रहा है सिखों के साथ। मैं ना ये चीज़ पिछले दो साल से बोलता रहा हूँ, टारगेट पंजाब है, टारगेट अमृतधारी सिख है। अब बिल्कुल खुल के बता रहा हूँ, अमृतधारी सिख है, थोड़ा इस चीज़ पर ध्यान दो। जो आपके लिए सच बोलता है, आपके हक के लिए खड़ा होता है, वो या जेल में होता है या मरवा दिया जाता है। सच्चाई है ये पंजाब की, ये पंजाब की सच्चाई, वो कड़वी सच्चाई है जो कोई भी नहीं बताएगा। पंजाब के हकों के लिए अगर आप बोलोगे, या जेल में मिलोगे या फिर अकाल पुरख के चरणों में मिलोगे, इससे अलग आपकी कोई दूसरी जगह नहीं है। तो दोस्तों अब समय आ गया है, जागरूक हो जाओ, एक दूसरे के पास इस वीडियो को पहुंचाओ, और जागरूक होने की जरूरत है। अब जरूरत है, पंथ पे पंथ वालों का कब्जा होना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी आया, बाहर से आया, उसको बना दिया पंथ काकू बना दिया। नहीं भाई, नहीं, इस चीज को हम एक्सेप्ट नहीं करते, और आप तो बिल्कुल भी नहीं करोगे, हमारे को पता है। जिस साथी की समझ में आ जाता ना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना। ऑफिशियल दीपक पोजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करते रहेंगे, हक और सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आपकी है।
वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।